अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जिस इलाके में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस इलाके का नाम है माहरा और ये एक खूबसूरत जंगल है जिसमें हम यहाँ पे खड़े हैं। यकीन करें, इतना खूबसूरत व्यू यहाँ पे, और नीचे जो है वो गांव है, यहाँ पे आबादी है। इस साइड पे आप देखें, वहाँ पे भी खूबसूरत घर और नीचे भी इस साइड पर भी घर बने हुए, और बिल्कुल उस टॉप तक आबादी जो है वो फैली हुई है। और इस साइड पे ये जो नीचे आप सीधा रास्ता देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पक्की रोड है, और आगे आप सीधा जाएंगे तो यकीन करो इतनी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे। अगर आप अपने घर आबाद करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप रेंट पे घर लेना चाहते हैं, तो आपको ईज़िली यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर इतनी पुरसकून इन्वायरमेंट है, यकीन करो कि सिर्फ और सिर्फ ये पानी का शोर नीचे, और इसके अलावा परिंदों की आवाज़ है, और इससे हट के आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। नीचे जो है फैसिलिटी की अगर हम बात करें, तो नीचे आप इस सीधा रोड पे आप जाएंगे नीचे नीचे जो है वो आपको बाग आज़ाद कश्मीर तकरीबन ये 3 किलोमीटर पे आपको बाग आज़ाद कश्मीर सिटी के साथ आपको कनेक्ट करता है, जो कि आपको यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो ये एक खूबसूरत लोकेशन है, और आप यहाँ पे अगर रहना चाहते हैं, कश्मीर का कोई भी रेजिडेंट हो वो यहाँ पे रह सकते हैं इजीली। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह नहीं कर सकते, और आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप यहाँ के सोर्स के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और ज़मीन वगैरह आप इस तरीके से फिर परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लोकेशन पसंद आ गई होगी, और मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस जंगल में हम ऊपर जाएंगे, और ये जो ऊपर जंगल एरिया है इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, और इस जंगल में जो है इसमें शेर भी पाए जाते हैं। और उस साइड पे आप देखें, ये पूरा का पूरा जो है वो बिल्कुल दरख्तों से ढका हुआ जंगल है ऊपर, और ये सारे चीड़ के दरख्त हैं, और इसमें लीपर्ड भी पाए जाते हैं।